को लिए चलते हैं हम लखनऊ। अनुभव शुक्ला मौजूद हैं भाजपा दफ्तर से। दिखाइए जरा किस तरीके से वहां पर हलचल है लखनऊ में, भाजपा दफ्तर के बाहर कितने लोग आए, किस तरीके का माहौल है अनुभव? देखिए बिल्कुल बीजेपी कार्यालय में हम मौजूद हैं और फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा नेता नहीं पहुंचा है। हालांकि लोगों के पहुंचने का सिलसिला 8 बजे के बाद शुरू होगा, पर हाँ महामंत्री संगठन सुनील बंसल कल शाम को ही आ गए थे, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह वो भी कल रात को आ गए थे। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं सह प्रभारी अनुराग ठाकुर वो भी पहुँच जाएंगे, कहा जा रहा है कि 11:30 बजे तक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह 10:30 बजे के बाद यहाँ पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे, हालांकि वो किस वक्त आएंगे अभी ये तय नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पहुँचेंगे 10:30 बजे के बाद और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वो तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। तो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे और जब नतीजे जैसे ऐसे आएंगे उसी हिसाब से लोगों के पहुँचने का यहाँ कार्यक्रम रखा गया। लेकिन हम आपको अगर दिखाएं तो देखिए मीडिया का पूरा जमावड़ा यहाँ बीजेपी कार्यालय पर लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल ने दिखाया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का जो अनुमान लगाया है उसके बाद से बीजेपी के जो नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं वो तो उत्साहित हैं और बार बार कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जा रहा है उससे भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। देखिए चार चौबंद तैयारी है, आगे भी आपसे तस्वीरों को समझेंगे, अपडेट।